क्वेश्चन नंबर सेवन इज व्हाई डू टाइट रोप वॉकर्स कैरी अलॉन्ग नैरो रॉड। टाइट रोप वॉकर्स वो होते हैं जो सर्कस में रस्सी पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डू टाइट रोप वॉकर्स कैरी अलॉन्ग नैरो रॉड। वो अपने हाथ में नैरो रॉड को, लंबी सी रॉड को क्यों अपने हाथ में ले कर चलते हैं? तो इसका आंसर ये है कि वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को या सेंटर ऑफ मास को लोअर करने के लिए उस रस्सी पे चलते वक्त अपने हाथ में रॉड लेते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे। सर्कस आर्टिस्ट सच एज टाइट रोप वॉकर्स यूज़ लॉन्ग नैरो रॉड टू लोअर देयर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दिस वे दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपल ओवर। वो उलट पुलट होने से बच जाते हैं। टाइट रोप वॉकर्स कैरी अलॉन्ग नैरो रॉड बिकॉज इट इंक्रीजेज द रोटेशनल इनर्शिया। दिस इज साइंटिफिक आंसर। साइंटिफिक आंसर आप कैसे देंगे कि टाइट रोप वॉकर्स कैरी अलॉन्ग नैरो रॉड बिकॉज इट इंक्रीजेज द रोटेशनल इनर्शिया। ये उनका रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीज कर देता है और इसी रोटेशनल इनर्शिया के रिएक्शन में दोबारा रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उनको वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में या एक ही बिल्कुल सीधा स्ट्रेट उस रस्सी को नहीं, वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्के वो जो है रॉड वो करता रहता है, रोटेट करता रहता है। एंड इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू द पर्सन वॉकिंग ऑन द रोप। इफ़ द वॉकर्स गेट ऑफ सेंटर फ्रॉम द टाइट रोप ग्रेविटी विल एग्जर्ट अ टॉर्क ऑन वॉकर कॉजिंग द वॉकर टू रोटेट देयर फीट एज अ पिवट पॉइंट। मतलब जहाँ पे उनके फीट है वो अपने फीट के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट कर देंगे अगर वो अपने हाथ में वो रॉड लेके नहीं चलेंगे, तो उनके फिर गिरने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो वो अपने हाथ में वो टाइट रोप अपने हाथ में लॉन्ग रॉड लेके चलते हैं ताकि वो बैलेंस रहें। विद अ लार्जर रोटेशनल इनर्शिया द एंगुलर एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल टॉर्क विल बी स्मॉलर एंड द वॉकर विल देयरफॉर हैव मोर टाइम टू स्टेबल इटसेल्फ। तो उस वॉकर को, उस करतब दिखाने वाले को या उस जिमनास्टिक करने वाले को अपने हाथ में जब वो रॉड लेके चलता है तो उसको अपने आप को बैलेंस करने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। थैंक यू।